चमकौर साहिब के नज़दीक गांव जंड साहिब में चल रही एक सिख अकेडमी में जिला प्रशासन व पुलिस की ओर से छापा मारकर अकेडमी को अपने कब्जे में ले लिया गया। दरअसल इस अकेडमी में 150 से ज्यादा नौजवान दाखिल हैं और कुछ पेरेंट्स ने पुलिस को शिकायत दी कि उन्होंने अपने बच्चे को इस अकेडमी में नशा छुड़वाने के लिए भर्ती करवाया था और बच्चों ने बताया कि नशा छुड़वाने के नाम पर उन पर अकेडमी का मालिक तशद्दद कर रहा था। उनको लगातार मारा पीटा जाता था व घर वालों से मिलने भी नहीं दिया जाता था। पेरेंट्स ने आरोप लगाया कि नशा छुड़वाने के नाम पर उनसे 10-20 हज़ार महीना मांगा जा रहा था। पिछले महीने मेरे सगे भरा का विआह सीगा जी, मैनू इन्होंने मैं मतलब विआह से नहीं जान दिता जी, मेरे घर दिनों बार पता नहीं की किया की नहीं किया जी। ना जी मैं ठीक है जी, मैंने 3 महीने से हो गए ठीक है जी, जो भी इतने आते हैं सारे ठीक है जी, घर दिनों पता नहीं कि यह पट्टी पढ़ा देंगे ठीक है जी, ना फोन से गल कराते हैं, ताले कट कट मर्जी का भी गल करा दो ठीक है जी, कोई दवाई लैनी है टीका ठीक है जी, कपड़े तो कोई कपड़ा नहीं तारना डंगर लाई ठीक है जी, फिर जो घर मीटिंग कराते हैं ठीक है जी, 2-3 महीने बाद मीटिंग कराने तो 6 बंदे आले दुआले अख नी बंद कर देनी, हफ्ता हफ्ता पोचा ही लाई जाना, कहना घर दिन तुम यही कहना भी थानू लै जाओ, कोई दुखी है हाँ पूछ रहे हैं कोई कमी है नहीं जी, कोई कमी हैगी नहीं जी, रोटी मिली करते हो हाँ जी, मैं ड्रिंक करता सी जी, मैंने काला पीलिया करके घर देने भेजे सिख अकैडमी करके भी इतने दवाई खाने परहेज रख के कोई गर्म चीज बारो नहीं खाने, चिकन या ड्रिंक नहीं करेंगे, ड्रिंक कर रहे हैं ये मेरे फादर साहब ने पता जी, मैं लुधियाने पुलिस लाइन में रहना, फादर साहब मेरे पहुंच पुलिस लाइन तो ठीक है जी, ये कैमरे चेक कर लो DSL चेक कर लो, मोबाइल चेक कर लो इनका ठीक है जी, रोपड़ शहर सब तो पहला सीस लिया है बेचता ठीक है जी, जिन्हें ड्रग डीलर ने सारे इतने ने ठीक है जी, मेरे से बंदा बैठा के मेनू 3 घंटे कराया, मेरे डांग शिकायत के चलते पुलिस ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर अकेडमी को छापा मारकर अकेडमी को कब्जे में ले लिया है व अगली कार्रवाई तक जिला प्रशासन की देखरेख में वहां पर नौजवान रखे गए हैं। दूसरी तरफ अकेडमी के मालिक ने कहा कि मैं यहां नशा छुड़वाने के लिए बच्चों को नहीं रखता बल्कि गुरमत विद्यालय चलाता हूँ, नौजवान बच्चों को गुरमत के साथ जोड़ने के लिए सिख सिद्धांतों के साथ जोड़ने के लिए पाठ पढ़ाया जाता है। उधर SDM चमकौर साहिब हरकनवल चाहल ने कहा कि उन्होंने शिकायत के आधार पर कार्रवाई की है, इस जंड साहिब सिख अकेडमी के पास कोई भी लाइसेंस नहीं है, वह फिलहाल नौजवानों को कहीं और शिफ्ट करने से पहले जिला प्रशासन की निगरानी में इनको यहां पर रखा गया है तथा इन सभी के पेरेंट्स से संपर्क किया जा रहा है और अकेडमी के मालिक पर बनती कार्रवाई की जा रही है। नशा छुड़ाओ केंद्र कहना नहीं चाहिए है, यही ना यूज करके लोगों को बेवकूफ बनाई जा रहा है, और जेडे बच्चे है किसी तो 15,000 किसी तो 18,000 किसी तो 20,000 ना देना ने कोई लाइसेंस अप्लाई किया है और ना ही कोई स्टैंडर्डाइज तरीके है, कोई ट्रीटमेंट है ना ही कोई इन्होंने डॉक्टर से दसिया है, और बच्चों को फिजिकली मार मार के इन्होंने इधर रखा हुआ है, आलमोस्ट 200 बच्चे है, उन सारे का असी मैडिकल टेस्ट करा, उन सारे हूँ तो लैके जी अगर उन्होंने ट्रीटमेंट है वो साड़ी रिस्पोंसिबिलिटी है, रेड क्रॉस के वॉलंटियर हेल्प की सारी टीम इतने आ चुकिया है, तो जो सारा इतने असैसमेंट करनी है वो अभी कर रहे हैं, तो अगले 2-3 दिन जेड़े तो पेरेंट्स अपने बच्चे लेना चाह वापस अपने ना लेना चाहते हैं उन्होंने लै जाएंगे, तो बाकी असं अपने रीहैबिलिटेशन सेंटर से डिविशन सेंटर ट्रीटमेंट दे सरकार देखो लीगल तरीके तो जो भी रखते हैं, एक तो बिना लाइसेंस तो इस तरह का सेंटर चलाना एक वो हैगा, ये अलावा जो ड्रग्स इतने बरामद हुए हैं वो ड्रग्स एक्ट की वायोलेशन है, और जी इन्होंने सोसायटी बनाई हैगी वो किस काम वास्ते बनाई और ये की कर रहे हैं वो सारी चीज़ा है, इस अलावा होर भी इन्होंने काफ़ी इस तरह के जानवर भी रखे है जो बहुत रेयर है, वो भी वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंडर उत्थे भी वायोलेशन होंगे, जिसे क्योंकि हम इस वेले मौका चल रहा है, जिमें जिमें सानू रिपोर्ट पूरी आएगी
ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣੇਗੀ। चमकौर साहिब से जीरो लाइन न्यूज़ के लिए सज्जन सैनी की रिपोर्ट।